विधि फैशन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सलवार की मोरी का सिंपल और सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। ये हमने बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है। इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम कोने से 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जहाँ पर हमने फोल्ड किया है वहाँ से सीधी लाइन लगा देंगे। अब इसको काट देंगे। ये देखिए, अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और बुकरम को इसके ऊपर रख लेंगे और इसको 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर यहाँ से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा कपड़े को काट दिया है। अब हम ये सलवार को बीचों बीच करके कट लगा देंगे। ये देखिए, और इसी तरह हम ये जो हमने पोंचा बनाया था इसमें भी बीचों बीच कट लगा देंगे और इन दोनों कट को आपस में मिला देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम उल्टी साइड रख कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी शेप आसानी से दिखाई देगी। ये देखिए, ये हमने डबल सिलाई लगा दी है और अब इसमें हम लहर बनाएंगे। अब हम बीचों बीच निशान लगाएंगे। इस निशान से 3 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब हम एक कोने से इस यहाँ पर निशान लगाएंगे। इसको सीधा मिला देंगे और अब दूसरी साइड भी इसी तरह से मिला देंगे। सभी निशानों को आपस में मिला देंगे और एक कोने से लहर बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर रोक कर दूसरी साइड भी इसी तरह लहर बनाएंगे। सबसे पहले हम चौक वाले निशान पर लहर बनाएंगे। अब हम कोई भी एक बॉक्स लेंगे और उसमें 1/2 इंच की दूरी पर लहर बनाएंगे। इसी तरह हम 1/2 इंच की दूरी पर लहर तैयार करेंगे।
अब हम सिलाई को सीधी लेकर आएंगे और दूसरे बॉक्स में भी आधा इंच की दूरी पर लहर बनाएंगे। इसी तरह से हम इस बॉक्स को भी लहर बनाकर भर देंगे। ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम दूसरी साइड सीधी सिलाई लगाएंगे। ये हम दूसरे कोने तक मिला देंगे। आप चाहे तो इस सिलाई को सीधा भी ले जा सकते हैं, पर उसमें सिलाई ज़्यादा हो जाएंगी। पहले हम एक बॉक्स को भरकर तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल डिज़ाइन है। अब हम दूसरे बॉक्स को भी इसी तरह से तैयार करेंगे। ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।